हेलो फ्रेंड्स, एसएसएम चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आईटीआई के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, ये आईटीआई का दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने बताया था कि आईटीआई कब कर सकते हैं और क्या क्या इसमें ट्रेड्स होते हैं, और इस वीडियो में हम उन तमाम तरह के कोर्सेज के बारे में जानेंगे जो आईटीआई के में हैं, जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेड बटन दबाकर, नीचे रेड बटन होगा उसके सामने सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको दबा दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाए और आप अपने नॉलेज में इंक्रीमेंट कर सके। तो फ्रेंड्स, जैसा हमने अपने पहले वीडियो में बताया था कि ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि भाई आईटीआई मींस केवल दो कोर्सेस होते हैं, एक तो इलेक्ट्रिशियन, एक हो गया मैकेनिकल। तो इस तरह से तमाम इन लोगों में भ्रम रहता है। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में फिर बता देना चाहता हूँ, अगेन बता देना, रिपीट कर देना चाहता हूँ कि देखिए, 10वीं बाद आप आईटीआई कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे कोर्सेज भी होते हैं जो 8वीं बाद भी कर सकते हैं। तो मैं उन तमाम तरह की बातों का मैं एक बार फिर से उल्लेख करता हूँ। करीब 40 से 50 ऐसे कोर्स होते हैं जो आईटीआई के बाद आप कर सकते हैं। तो बुक बाइंडर के लिए आप आईटीआई पाठ्यक्रम महाराष्ट्र और केरल जैसे राज्यों में ये आसानी से उपलब्ध है, और यह एक वर्ष का होता है, इसको भी आप कर सकते हैं। इलेक्ट्रिशियन के बारे में जैसा हमने बताया ही था, जिसको आप बिजली मिस्त्री मोटे भाषा में कहते हैं, उसको तो करने के लिए आप 2 साल का कोर्स होता है आईटीआई का, उसको आप कर सकते हैं। एक होता है प्लम्बर, प्लम्बर की नौकरी भी बहुत अच्छी डिमांड होती है और आप इसमें डिप्लोमा भी कर सकते हैं। आईटीआई कोर्स के लिए 2 साल का अवेलेबल, आप चाहे तो इसे 3 साल भी कर सकते हैं, 3 साल के रूप में भी। इसके लिए जरूरी है कि आप कौन सा चुनना चाहते हैं। एक होता है पैटर्न निर्माता भी। पैटर्न निर्माता एक औद्योगिक फाउंड्री पाठ्यक्रम है, और इसके लिए जरूरी नहीं कि आप 10 पास हो, आप 8वीं पास हो तब पर भी चलेगा, और इसकी अवधि 2 साल होती है ये, लेकिन कुछ ही राज्यों में केवल अवेलेबल है। और अगला है कि सीट मेटल वर्कर नौकरी की धातु उत्पादों की मरम्मत करने में इसका आपको जॉब मिलेगा। तो इसके लिए केवल आपको 8 पास होना चाहिए, यानी मेटल से रिलेटेड जो वर्क होता है इसमें आपको करना होता है, इसमें केवल 8 पास होना पड़ता है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा 14 से 15 स्टेट्स में ही अवेलेबल, हर जगह ही अवेलेबल नहीं है, यानी 14 से 15 राज्यों में ही इसकी केवल अवेलेबिलिटी इस कोर्स की। अगला कोर्स हम देखेंगे कि उपकरण और हार्ड मेकर। और उपकरण या हार्ड मेकर क्या होता है कि भाई उपकरण और डाई मेकर होता है, कोई हार्ड मेकर नहीं होता है। उपकरण और डाई मेकर रासायनिक इंजीनियरिंग के बारे में कुछ है, और इसमें आप कुछ सीख सकते हैं, और ये 1 वर्ष का पाठ्यक्रम होता है, आप चाहें तो इसमें डिप्लोमा भी कर सकते हैं। और एक इसी तरह मोल्डर होता है, टर्नर होता है, वेल्डर गैस इलेक्ट्रॉनिक होता है। मोल्डर के बारे में बता दें तो ये गोल्डिक व्यवसायिक कार्यक्रम से जुड़ा रहता है, शिल्पकार मोल्डिंग, मैं गोल्डिंग कर रहा हूँ, मोल्डिंग होता है शिल्पकार मोल्डिंग। यह आपको एक कम से कम इसके लिए आपको 10वीं पास होना जरूरी है, और भारत में ये अधिक से अधिक 6 राज्यों में अवेलेबल है, और इसकी कोर्स की अवधि वही 2 साल है। इसी तरह है टर्नर का भी है, टर्नर का कोर्स भी 2 साल का होता है और 10वीं पास होना जरूरी है। इसी तरह वेल्डर गैस और इलेक्ट्रॉनिक का है, इसके लिए आपको केवल 8वीं पास होना जरूरी है, और ये महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो भाई आईटीआई के ज़्यादातर कॉलेज अवेलेबल है। इसे अपनी यूपी में भी आईटीआई के बहुत ही ज़्यादा कॉलेज अवेलेबल हैं। और अब बात करते हैं कि उन्नत उपकरण और डाई बनाना, ये भी एक कोर्स है। इस कोर्स को करने के लिए आपको 10वीं पास होना चाहिए, और अगर आप ये 2 साल का कोर्स होता है, लेकिन अगर आप डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं तो ये 3 साल का हो सकता है, और लगभग इसकी 20 से 25 हज़ार रुपये फीस होती है 1 साल की। इसी तरह मशीनिस्ट होता है, 2 साल का कोर्स होता है। इसी तरह ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक का भी कोर्स होता है, इसके लिए आपको 10वीं पास होना चाहिए और ये 2 साल का कोर्स होता है, और आप चाहें तो 3 साल का भी कोर्स कर सकते हैं जो आपको फिट लगे। मैकेनिक मशीन टूल्स रखरखाव, इसका भी एक कोर्स होता है। इसी तरह मैकेनिक कंप्यूटर हार्डवेयर का भी कोर्स होता है,
मैकेनिक कंप्यूटर हार्डवेयर कोर्स के लिए आपको 10वीं पास होना चाहिए और ये आईटीआई 2 साल या 3 साल का भी हो सकता है और ये अधिक से अधिक 15 राज्यों में अवेलेबल है। एक कोर्स और होता है कि मैकेनिक रेफ्रिजरेशन और कंडीशनर एयर कंडीशन यानी मैकेनिक मतलब रेफ्रिजरेटर फ्रिज और जिसको एसी की बात करते हैं मोटी भाषा में समझा जाए तो ये कोर्स भी आपको कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल का होता है और ये इसको करने के बाद आप आराम से नौकरी पा सकते हैं क्योंकि ये ऐसा कोर्स भाई हर जगह आप दिखा सबके घरों में फ्रिज और एसी लगा ही होता है तो आप अब चाहे तो कोई कंपनी ज्वाइन करके काम कर सकते हैं या चाहे तो भाई प्राइवेट ही अपना डोर टू डोर विजिट कर किसी का कुछ खराब हुआ इसको रिपेयर कर आप काम कर सकते हैं। इसके लिए आपको केवल 8वीं पास होना जरूरी है और यह मात्र 1 साल का कोर्स है। इसी तरह मैकेनिक मोटर वाहन लीजिए, आप तो देख ही रहे हैं कि दुनिया भर में कितनी दुनिया भर की बात छोड़िए अपने इंडिया में देखिए कितनी सारी बाइक्स हो गई हैं तो इनकी भाई रिपेयरिंग का भी हलचल होना चाहिए तो इसके लिए आप चाहिए कि आप ये आईटीआई कर सकते हैं और ये मैकेनिक मोटर वाहन जो है इस कोर्स को कर आप आसानी से करियर बना सकती है। इसकी जो कोर्स अवधि होती है ये जनरली जितनी आईटीआई में होती है यानी 2 साल। तो इस तरह से तमाम तरह के कोर्स है, इसके अलावा भी 20-25 और कोर्सेस हैं जो इसमें आईटीआई में आप कर सकते हैं। अब सारे वीडियो कोर्सेस की चर्चा इस वीडियो में करना पॉसिबल नहीं है तो अगर आप उन कोर्सेस के बारे में जानना चाहते हैं कौन कौन से कोर्सेस हैं तो उसको लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स रेड बटन दबा कर ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो आपको इसकी जानकारी मिलती रहे और आप अपने नॉलेज में इंक्रीमेंट करते रहें। थैंक यू वेरी मच।